हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो वीडियो अंत तक देखें, आई होप यू लाइक इट। वीडियो वाकई आपकी बहुत काम की है तो देखना ना भूलें। अब पूरे देश में चलेगा आपका राशन कार्ड, कहीं से भी ले सकेंगे राशन। भारत सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड ONORC प्लान की शुरुआत कर दी है। इससे उन लोगों को मदद मिलेगी जो अपने जीवन के लिए एक स्थान से नए स्थान पर प्रवास करते हैं। ये पहल राज्य के स्वामित्व वाली राशन सर्विस को आसान बनाती है और राशन कार्ड होल्डर्स को उनकी सुविधा के मुताबिक सिंगल राशन कार्ड का इस्तेमाल करने में मदद करती है। पूरे देश में होगा एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड ONORC प्लान की शुरुआत। भारत सरकार ने उठाया है कदम। भारत सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड ONORC प्लान की शुरुआत कर दी है। इससे उन लोगों को मदद मिलेगी जो अपने जीवन के लिए एक स्थान से नए स्थान पर प्रवास करते हैं। ये पहल राज्य के स्वामित्व वाली राशन सर्विस को आसान बनाती है और राशन कार्ड होल्डर्स को उनकी सुविधा के मुताबिक सिंगल राशन कार्ड का इस्तेमाल करने में मदद करती है। इस सेवा के लिए सरकारी ऐप एंड्रॉयड यूजर के लिए गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। राशन कार्ड होल्डर्स का उपयोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे DDAS के रूप में जाना जाता है, उसके जरिए अनाज और खाद्य सामग्री पाने के लिए किया जाता है। मगर जब कोई राशन कार्ड होल्डर्स कई राज्यों की यात्रा करते हैं तो उन्हें PDS लाभ पाने के लिए कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब मेरा राशन ऐप के जरिए समस्या का समाधान किया जाएगा, जहां लाभार्थियों को देश भर में राशन कार्ड सर्विस मिलेगी। राशन कार्ड डाउनलोड करने और उपयोग करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, सर्च बटन पर क्लिक कीजिए और मेरा राशन ऐप टाइप कीजिए। सेंट्रल APDS टीम द्वारा अपलोड किए गए इंस्टॉल बटन पर टैप कीजिए। अब ऐप ओपन कीजिए और यहाँ आपकी सहायता पूर्ण रूप से की जाएगी। मेरा राशन ऐप की खासियत, रजिस्ट्रेशन। यूजर सबमिट बटन पर क्लिक करके राशन कार्ड नंबर प्रदान करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अपनी पात्रता को जानिए। अपनी पात्रता जानने के लिए दो ऑप्शन दिए गए हैं, राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर। ऑप्शन का चयन करें। नज़दीकी राशन की दुकानें, यूजर्स फोन पर अपनी लोकेशन को इनेबल करके अपने पास स्थित राशन की दुकानें के बारे में जान सकते हैं। ONORC यूजर्स एक राष्ट्र एक राशन कार्ड सर्विस वाले राज्यों को भी चेक कर सकते हैं। मेरी ट्रांजेक्शन, राशन कार्ड नंबर दर्ज करके लाभार्थी ट्रांजेक्शन डिटेल्स भी प्राप्त कर सकते हैं। मात्रता मानदंड, आधार नंबर या राशन कार्ड का नंबर उपयोग करके कार्ड होल्डर्स की पात्रता को चेक किया जा सकता है। आधार सीडिंग, आधार नंबर या राशन कार्ड नंबर प्रदान करने की उसी तरीके से आधार सीडिंग भी की जा सकती है। सुझाव और प्रतिक्रिया, लाभार्थी अपने मोबाइल नंबर और कार्ड शेयर करके प्रदान की जाने वाली सर्विस पर रेट और फीडबैक दे सकते हैं। लॉगिंग, लॉगिंग वर्तमान राज्य के अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जहां आप यूजर नेम और पासवर्ड के साथ रह रहे हैं। FPS फीडबैक, उचित मूल्य के रूप में जानी जाने वाली लाइसेंस प्राप्त दुकानों को ऐप पर FPS फीडबैक के जरिए कमेंट के साथ फीडबैक को भी दिया जा सकता है। यूजर को सभी लाभ मिलेंगे, वे अपने वर्तमान ट्रांजेक्शन और अपने अधिकार की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। शुरुआत में ऐप में सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी थी, लेकिन अब इसमें 10 भाषाएँ और जुड़ी गई हैं। तो आई होप यू लाइक इट। ये वीडियो बाकी आपके काम की थी। जय हिंद, जय भारत।